और बड़े मुंह दिखाता है। अविनाश, क्या राय रखते हैं फंडामेंटली इस स्टॉक पर? अब तो ऊपर के लेवल से काफी फिसल चुका है। आई थिंक अनिल जी, जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए, इसमें काफ़ी बड़ा वन ऑफ था, और अगर हम इसको हटा दें तो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी मामूली है। इनफैक्ट इस कंपनी के अगर हम वैल्यूएशंस देखें अनिल जी, तो हर वक्त प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता था। इनफैक्ट जो नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है सर्च प्लस, मार्केट्स का ऐसा अनुमान था कि इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं कोई रेवेन्यू की थोड़ी सी विजिबिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी ऐसा कोई बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस प्रोडक्ट ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आगे भी जब तक ये प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्लियरली मुझे लग रहा है कि दबाव डेफिनेटली शेयर पे रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव है। okay. और मुझे लग रहा है कि फॉर द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये जो प्राइस करेक्शन हो रहा है इसमें शायद थोड़ा सा और एक्सेलरेशन हो। मेरे ख्याल से अभी तो डेफिनेटली इस भाव से कोई निवेश करने की कोई भी इंडिकेशन नहीं लग रही।